इस वक्त हमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को लेकर कोतवाली चांदनी चौक के बाहर, जहां पर कारी ओवैस की हत्या कर दी गई थी और उस मामले के अंदर जो सबसे पहले इंसान थे जो थाने पहुंचे थे, जिन्होंने कार्रवाई करी थी डेड बॉडी को अपने अंडर लेने की या परिवार को दिलाने की, हमारे साथ में बद्री साहब मौजूद हैं। और बद्री साहब से हम पूछना चाहेंगे कि शुरू से आखिर तक इस मामले में क्या रहा और अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है, जबकि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अलावा कई अन्य जगहों से यहां पे लोग पहुंच रहे हैं। थाने के ऊपर कोशिश है कि 304/30 को 302 के अंदर परिवर्तित किया जाए। जी बद्री साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मामले के अंदर, क्योंकि आप वो पहले शख्स हैं जो परिवार के साथ में जुड़े थे और इस मामले को शुरुआत से अभी तक देखते आ रहे हैं। जी जी, देखिएगा, इसमें शुरू से ये हो रहा है, जैसे ये केस है और मैं शुरू से इसको देख रहा हूँ जी, तो मुझे अब तक का जो इसका निचोड़ है मेरे सामने है वो ये है कि पुलिस इसमें दोहरा मेयार इख्तियार कर रही है। पुलिस को चाहिए ये था कि इनके जो परिजन हैं, उसके परिवार वाले हैं, वो जो तहरीर दे रहे हैं उसके ऊपर केस करना उनको चाहिए था, जबकि पुलिस उससे इनकार कर रही है। और शुरू में ये हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तारी से भी इनकार किया था, तो जब मीडिया में ये सामने आया, फिर काफ़ी चर्चा हुआ, तब जाके उन्होंने ये कबूल किया कि हमारे पास दो को हमने गिरफ्तार किया है। उसके बाद से पुलिस आज उनको कोर्ट में लेके गई थी और कोर्ट से आने के बाद फिर यहाँ काफ़ी लोग जमा हुए हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि आप तहरीर दे दीजिए, हम देख लेते हैं, जांच करेंगे, उस पर अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी तो मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अब तक पुलिस ने जो इसमें केस दर्ज किया है वो 304 का किया है और वो इस बुनियाद पे किया है, उनके बयान की बुनियाद पे, जो उसको मारने वाले हैं उनके बयान की बुनियाद पे पुलिस ने केस दर्ज किया है। जबकि चाहिए ये था उसमें कि उनके जो परिजन हैं, उसके घर वाले हैं, वो जो तहरीर दे रहे हैं, या उस अभी जो जैसे पता चला है उस लड़के के साथ दो लड़के और थे उवैस के साथ में। सब आपका ये कहना है कि जो हत्या आरोपी हैं उनके बयान के ऊपर केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी जी जी, मेरा ये कहना है कि इनके परिजन वाले जो तहरीर दे रहे हैं कि हमारे बेटे का मर्डर हुआ है और उसमें दो गवाह भी हैं, उनके साथ भी मारपीट हुई है, वो डर की वजह से किसी तरीके से भाग गए छूट के, तो उनके बयान के आधार पे केस दर्ज होना चाहिए। तो परिवार के लोगों की कोई बात अब तक नहीं सुनी गई है। अगर ऐसा मामला होता कि उनके घर वालों की या जितने लोग यहाँ जमा हैं उनकी बात सुनी जाती तो यहाँ ये भीड़ आपको देखने को नहीं मिलती। ये भीड़ यहाँ इसीलिए जमा है कि हमारी बात सुनी जाए और जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए, जबकि पुलिस इस चीज़ से अभी भी मुंह फेर रही है। अब ये पता नहीं वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रही है, जबकि मुझे ये भी पता चला है मार्केट के लोगों से कि उसमें एक लड़का गिरफ्तार हुआ है लल्लन नाम का, वो यहाँ शराब बेचता है और सरेआम बेचता है, उसको सबको पता है, उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मार पिटाई ये सब उसका डेली का काम है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पुलिस उसको बचाने के लिए कर रही है या क्या मामला है, वो आगे अब देखते हैं क्या होगा आगे चल के। जो अभी फ़िलहाल ताज़ा हालात हैं, अगर मैं एक जर्नलिस्ट के तौर से आपसे पूछना चाहूँ तो आप किस एंगल से देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या निकल गया? देखिए, मुझे इसमें पुलिस का ही एक दोहरा मेयार लग रहा है। पुलिस मुनाफिकत कर रही है, दोहरा मेयार इख्तियार कर रही है। पुलिस अगर चाहे तो वो 302 मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि सब सबूत हैं और ये मीडिया में इतना फैल चुका और मार्केट के लोग गवाह हैं। और मैं जैसे यहाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस दिन ये मामला पेश आया, मैं रात में आया, पुलिस ने मुझे फोटो उसके दिखाए, तस्वीर, और ऐसे दिखाया कि तो यहाँ सोया हुआ था, हमारे पास चार घंटे फ़ोन, किसी का फ़ोन आया, लोगों ने बताया कि 4 घंटे से मरा हुआ पड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने एक एक आदमी से, मार्केट के लोगों से आज भी मैंने बात की है, उस दिन भी बात हुई है, उन्होंने बताया कि मारपीट हुई है, 15-20 लोग थे, इसको मारा उन्होंने, और हमने फिर इसके फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उसको उठा के ले गई, जबकि पुलिस यहाँ तक मुनाफिकत कर रही है कि ये तक बताने को तैयार नहीं थी कि हमने इसमें किसी को गिरफ्तार किया, और वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये लड़ाई के ज़रिए मारा, इसको किसी ने मारा है, वो कह रही है कि हम इसको तो हमने मरा हुआ यहाँ से उठाया। बद्री साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एक बैग को पीछे कंधे पे लिए हुए एक लगभग 25 से 30 साल का लड़का नज़र आ रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है, लोग उस वीडियो को ये बता रहे हैं कि ये कारी ओवैस की वीडियो है और इस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जबकि हमने अपने दर्शकों को साफ किया है कि वो वीडियो मेरठ की है जिसके अंदर लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या हमारा कहना सही? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, वो वीडियो मेरठ की है और किसी मदरसे का स्टूडेंट था वो, उसमें कार्रवाई हो गई है।
वो बाकायदा मीडिया में आ चुका है, कल से, कल ही मीडिया में आ गया था वो। तो वो मेरठ का कोई लड़का है, उसके साथ हुआ था, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। और वो दिन की घटना है, ये रात की घटना है जी। तो जाहिर सी बात है वो उवैस की कोई वीडियो कोई फोटो अब तक सामने नहीं आया, अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं है जी। बद्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके गंभीर आरोप पुलिस की जांच के ऊपर लगते हैं कि पुलिस की जो जांच है वो किस ओर जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। इससे पहले इसमें कुछ भी कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान कब आता है और कब कारी उवैस को इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन मकसूद हुसैन के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली से।